तो कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में कोविड-19 को हराने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मी भी अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस कर्मियों के लिए सिंधीकेम थाने में सैनिटाइजर टनल मशीन लगाई गई है। थाना प्रभारी जुल्फिकार अली समेत 65 पुलिस कर्मियों ने अपने स्तर पर सहयोग करते हुए सैनिटाइज टनल लगाई है। वहीं एडिशनल SP बजरंग सिंह ने इस टनल का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि इस टनल में केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइड उपयोग में नहीं लेकर माइक्रोन D256 का उपयोग किया गया है, जिससे शरीर पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसी बीच इस सैनिटाइजर टनल का खास जायजा लिया हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। जी हाँ, इसी तर्ज पर राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, तमाम पुलिसकर्मी हैं, कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ते हुए 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे में जयपुर पुलिस की ओर से लगातार ऐसे जवानों को और ऐसे पुलिसकर्मियों को जो महामारी के दौरान ड्यूटी करते हैं, उन पर किसी प्रकार के जो वायरस जो जम जाते हैं या किसी प्रकार के जम्स आ जाते हैं, उनसे बचाव के लिए सैनिटाइजर जो टनल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस सैनिटाइजर टनल के अंदर होकर के वो सैनिटाइज हो सकेंगे। सिंधीकेम थाना पुलिस की पहल पर यहाँ पर इस सैनिटाइजर टनल का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिसका यहाँ पर उद्घाटन है जो यहाँ पर एडिशनल SP हैं बजरंग सिंह जी, उन्होंने किया है। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये जो पूरा टनल है, इसके अंदर से जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है या जो फॉग नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो केमिकल है जिसको D256 जिसको कहते हैं, जो कि शरीर के लिए कोई घातक नहीं होता है, ना किसी प्रकार का हार्म्स पहुंचता है यहाँ पर बॉडी को। किस प्रकार की पूरी टनल का यहाँ पर निर्माण किया गया, कितनी लाभदायक रहेगी, इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हैं एडिशनल SP बजरंग सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, टनल लगाया गया है सर आज सिंधीकेम थाना पर। सिंधीकेम थाने के SHO उनके मोटिवेशन से एक सैनिटाइजर टनल लगाया गया है, और जाबते का मोटिवेशन बना रहे, और जाबता जो ड्यूटी करता है उसका मोटिवेशन बना रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए उनको सुरक्षित रखने के लिए, कोरोना का हराने के लिए इस टनल का विधिवत शुरुआत की गई है, और जिससे हमारे जो जाबते के लोग हैं वो कोरोना से प्रभावित नहीं हो, उसके लिए इस मशीन का, इस टनल का आज शुरुआत की गई है। किस तरह सर इस टनल के अंदर होकर के या सैनिटाइज हो सकेंगे? इस टनल के अंदर जो केमिकल है वो पानी में मिला के और उसको मिक्स किया जाता है, और उसके बाद में जो इसमें से जो भी व्यक्ति इसमें से गुजरेगा उसके ऊपर, अगर पूर्णतया इसके अंदर सारा चारों तरफ से घूम के और उसके ऊपर इसका प्रभाव, इसके ऊपर सारा उसमें गिरेगा, तो उसको ज़रूर, अगर उस तरह से कोरोना से प्रभावित है तो उसको फ़ायदा मिलने की संभावना है। कुछ भ्रांतियाँ भी हैं सर केमिकल को लेकर के, हाइपोक्लोराइड बताते हैं कि शरीर के लिए कुछ घातक साबित होता है या हार्मफुल होता है, इसके अंदर माइक्रोन D256 बताया गया जो बहुत अच्छा बताते हैं। ये अब ये तो कोई जो रिसर्च कर रहे हैं वही बता सकते हैं, बाकी अब जो इस तरह के आ रहे हैं और सब जगह इस तरह की जो टनल लगाए जा रहे हैं, तो ये इसके अंदर बता रहे हैं जो इसमें केमिकल यूज किया गया है वो थोड़ा अलग अटके है, तो अलग अटके और इसके जो फ़ायदे भी जो कंपनी है उसने बताए, तो हो सकता है ये अन्य जो है उससे ज़्यादा फायदेमंद हो। सर, एक बार आप बताएंगे किस तरह इस टनल का यूज होता है, किस तरह जाते हैं, तो एक बार अब बिल्कुल आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह इस टनल का यूज होता है, कैसे पुलिसकर्मी इसके अंदर होकर के गुजरते हैं और कैसे सैनिटाइज होते हैं। इस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, इसके अंदर हर पुलिसकर्मी आएगा, जब थाने के अंदर प्रवेश करेगा कोरोना में को लेकर के जो ड्यूटियां लगाई गई है, वहां से निकल करके आएगा तो जैसे ही थाने के अंदर प्रवेश करेगा तो इस टनल के अंदर होकर के घुसना पड़ेगा, और उसी के चलते यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी है सैनिटाइज हो सकेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंधीकेम थाना पुलिस की जो पहल शुरू की गई है यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया, इन सब चीज़ों को लेकर के शुरू की गई पहल है, ये वाकई काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ यादवेंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर। तो प्रदेश में मॉडिफाइड